भी नहीं छोड़ा कि कोई मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दे और नाम ले ले। वो सबको मालूम है कि जितना बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुआ और उनके भाई से कमलनाथ जी ने बुलवाया राहुल गांधी जी से, हमारी बात की पुष्टि हो गई। हम भी कहते थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ और उन्होंने भी मध्य प्रदेश का कर्जा माफी में नाम नहीं लिया, दूसरे प्रदेशों के नाम लिए। हालांकि मेरा मानना है कि दूसरे प्रदेशों में भी नहीं हुआ, यहाँ का नाम लिया है। और अब ये भी तय हो गया कि जिस तरह से झूठे वादे मध्य प्रदेश में किए गए वैसे ही झूठे वादे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। दरअसल बात हो रही थी सिर को ढकने वाले वस्त्र की, और माननीय प्रियंका जी अंतः वस्त्रों का बात करने लगी। एक महिला के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। प्रियंका जी, आपका जो बयान है ये महिलाओं की गरिमा और शालीनता के एकदम प्रतिकूल है, ऐसी मेरी मान्यता है। देखो, जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, उस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें वायरल होने लगती हैं। अब ये तो प्रमाणिक नहीं होता है वो आज का है, कल का है, परसों का है या कब का है, लेकिन मेरी सभी से प्रार्थना है जब संवेदनशील कोई विषय आए तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखना चाहिए। कार्रवाई की जाएगी, किसान कर्ज माफी कर दे ना करके छत्तीस घंटे हुआ। अब कमलनाथ जी माननीय ने प्रदेश को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि कोई मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दे और नाम ले ले। वो सबको मालूम है कि जितना बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुआ और उनके भाई से कमलनाथ जी ने बुलवाया राहुल गांधी जी से, हमारी बात की पुष्टि हो गई। हम भी कहते थे कि कर्ज अज्ञानता की पराकाष्ठा है। वैसे भी स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी और उनके साथी जो है कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास कभी नहीं रहा। अब उनको यही नहीं मालूम कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है और इसको राज्य को बदलने का मेरे ख्याल से अधिकार नहीं है। कानून और कानून व्यवस्था इस सपा और उनके समर्थकों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आती। देखो, कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस तरह के विषयों को जिंदा रखना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि संवेदनशील विषय आए तो उसमें राजनीति न की जाए। किसान कर्ज माफी कर दे।